और इस साइड आप लोग देख सकते हैं सभी जो हैं अपने अपने हिस्से की लकड़ी काट रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय अक्षय भाई जो हैं बैटिंग कर रहे हैं और हम आपको अक्षय भाई की बैटिंग की कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों इस समय हम अपनी स्कूटी में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी घुमा के आते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं और अक्षु भाई जो हैं निकल चुके हैं नरेश भाई के घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं इस समय मैं और अक्षु जो हैं अपनी एंटोर्क स्कूटी में जो हैं रवाना हो चुके हैं बालू की तरफ। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी वहां का दृश्य दिखाते हैं। आज नरेश भाई के घर के आसपास जो है वो लकड़ी को काट रहे हैं क्योंकि ताऊ जी की रिटायरमेंट आने वाली है, उसके लिए लकड़ी चाहिए, जिसके लिए जो है आज लकड़ी काटी जा रही है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम पहुँच चुके हैं देव बुढ़ा बनोगी जी के मंदिर के पास। अक्षु भाई इस समय अपनी स्कूटी को राहुल के घर में पार्क कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस समय आप लोग देख सकते हैं हम बालडू में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे भतीजे, हमारे ताऊ लोग जो हैं सभी इस समय जो हैं लकड़ी काट रहे हैं और ये हमारा भतीजा भासू। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़े से लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अभी चलते हैं। को जो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मीठा कढ़ी दाल चावल सभी कुछ यहाँ पे बन रहा है और इस समय यहाँ पे चावल निकाले जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड हमारे भाई साहब जो हैं रेस्ट फरमा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खाना बन रहा है। और यहाँ पे ताऊ जी आज लकड़ी कटवा रहे हैं, तो अभी चलते हैं लकड़ी वगैरह लाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं और ये छोटे छोटे भाई लोग भी जो हैं लकड़ी उठा के यहाँ पे लाए हैं। और इस साइड हमारे भाई लोग दोस्त लोग जो हैं रेस्ट फरमा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस समय मैं जो है लकड़ी का गरा लगा रहा हूँ और सारे मेरा भतीजा जो है लकड़ी ला रहा है और यहाँ पे ताऊ जी भी लकड़ी ला रहे हैं और बाकी लोग जो हैं लकड़ी को काट रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा गरा जो है इस समय मैं लगा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि वासु बता रहा है कि इससे हिमाचली धाम बनाई जाएगी, आप लोग देख सकते हैं दो मंथ बाद ताऊ की रिटायरमेंट है, उसके लिए इस लकड़ी को काटा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 45 साल के चाचा जी जो हैं इस समय किस तरह से जो है लकड़ी को काट रहे हैं, किस तरह से लकड़ी को काटा जा रहा है, देखो आप लोग देख सकते हैं। इसे बोल सकते हैं लकड़ी काटने की निंजा टेक्निक। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं सभी जो हैं अपने अपने हिस्से की लकड़ी काट रहे हैं, जितना जितना खाएंगे उतने उतने हिस्से की लकड़ी निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कितने सारे भाई लोग जो हैं इस समय यहाँ पे आए हुए हैं और कितने बड़े बड़े पीस लाए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक ही बार में दो बार कुल्हाड़ी मार के जो है इस लकड़ी के पीस को अलग करते हुए चाचा जी सभी जो हैं इसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं अपनी पिच के पास और अभी जो हैं अक्षु भाई जो हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी पापा जी अक्षु भाई को बॉलिंग डालेंगे और अक्षु भाई इस समय प्रैक्टिस करेंगे, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी अक्षु भाई की बैटिंग के थोड़े से शॉट दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय अक्षय भाई जो हैं
बैटिंग कर रहे हैं और हम आपको अक्षर भाई की बैटिंग की कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।